छह साल का था तभी से आ रहा हूँ। अच्छा जी। आज 60 साल हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। अच्छा जी। एंड द क्वालिटी इज द सेम। स्टार्टिंग से कस्टमर हो आप? अभी शुरू से अभी तक वही क्वालिटी चली आ रही है। क्या बात है। 20 ज्ञानी और खुल गए हैं, पर इसकी अलग ही बात है। भीड़ देखो यार, यहाँ पे लोग कैसे क्रेजी रहते हैं इनका रबड़ी फालूदा खाने के लिए। सुबह से शाम तक ऐसे बेचा जाता है। हेलो भैया, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? किशन लाल। किशन जी, ये बताइए कब से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? 35 साल हो गए काम। 35 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा जी, और ये दुकान कितनी पुरानी है? दुकान है तुमने 62 साल। 62 साल पुरानी दुकान है। ये स्टार्ट कैसे हुई थी? हमारे ज्ञानी जी ने करी थी। अच्छा जी, ज्ञानी जी ने करी थी। अभी सेकंड जनरेशन आ चुकी है, वो चलाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है ज्ञानी का रबड़ी फालूदा यहाँ पे लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो इनका सेटअप देखो, नीचे ये फालूदा भर के रखा होता है और उसके बाद इसमें निकाला जाता है जो इनका बर्तन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्लास एक बारी में लगाए जाते हैं। स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे फालूदा डाला जा रहा है ग्लासों के अंदर। ये सारे ग्लास में एक एक करके डाला जाएगा। तो ये देखो गाइस, ये इनका फालूदा। ये भैया घर पे बनाते हो क्या फालूदा? सब यहीं पे बनाते हो खुद ही? सब यहीं बनते। क्या बात है। तो भाई ये देखो, आधा ग्लास जो है वो फालूदा से इसमें भर दिया जाता है। कितने रुपए का ग्लास है भैया ये? 100 रुपए का। 100 रुपए का ये ग्लास होता है। ये देखिए फालूदा इसमें भर दिया गया है सारे ग्लासेस में। और यहाँ इनकी रखी होती है रबड़ी। ये देखिए कितनी बढ़िया सी रबड़ी है। भैया क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाते हो? क्या बात है भाई। तो भर के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल के रखे होते हैं, साथ में ये बर्फ रखी होती है जिससे भाई रबड़ी इनकी ठंडी होती रहती है। भैया गर्मियों में इसमें बर्फ डालते होगे? डलती है अभी भी? डालते हो? अभी भी डलती है बर्फ। अच्छा जी, तो भाई बर्फ डाल के मिलता है। ये रबड़ी इनकी आ चुकी है ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये देखिए भाई पूरा भर दिया जाता है, इतनी ज्यादा डिमांड है पुरानी दिल्ली के अंदर। और अब ये देखिए ग्लासेस यहाँ पे लगाए जाएंगे। ये देखो भाई टेक्सचर देखो एक बार, कितनी बढ़िया सी लग रही है। ये देखिए भाई, ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए कुप्पी से यहाँ पे डाल रहे हैं भैया एक एक करके। तो फालूदा के ऊपर ये डाला जाता है रबड़ी। ये देखिए 100 रुपए का यहाँ पे ग्लास है ये, इतनी रबड़ी इसमें डाली जाती है ऊपर से। और क्या डाला जाता है भैया इसमें? शरबत डलेगा मीठा। अच्छा जी, शरबत डाला जाएगा। बहुत ही ज्यादा पुरानी दुकान है, 1956 में स्टार्ट हुई थी। और जिन्होंने स्टार्ट करी थी उनके सेकंड जनरेशन आ चुकी है, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ का ऑथेंटिक फालूदा यहाँ पे लगाया जा रहा है। भैया अगर किसी को आना होगा तो क्या एड्रेस रहता है यहाँ पे? पूछने की जरूरत नहीं, पुराने दिल्ली आते ही पूछो ज्ञानी। अच्छा जी, पूछना नहीं पड़ेगा, आते ही सीधा ज्ञानी की हट्टी पूछो और सीधा यहीं आ जाओगे। क्या बात है। क्या टाइमिंग रहती है भैया यहाँ की? 10 बजे से 11 बजे तक। तो ये देखिए भाई, रबड़ी डालने के बाद ग्लासेस पूरे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें शरबत डाला जाएगा। जो शरबत होता है वो ग्राहक के हिसाब से डालते हो, उनको कितना मीठा पसंद है। शरबत में क्या होता है भैया, कैसे बनाते हो वो? ये सब कारखाने बनता है, कारीगर बनाते हैं। अच्छा जी, तो क्या चाशनी होती है वो? चाशनी होती है। अच्छा जी, ये देखिए, तो ये होता है बेसिकली इनका शरबत, ये डाल दिया जाता है यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये ग्लास लगाया जा रहा है एक हमारे लिए। तो भाई फालूदा सबसे पहले डाला जा रहा है, ऊपर से इनकी रबड़ी आ गई। ये देखिए कितनी बढ़िया सी है, ये एक भर के डाली जाती है इसके अंदर ड्राई फ्रूट के साथ। ये आ चुका है इनका चाशनी बोल सकते हो आप, शरबत होता है इनका जो डाला जाता है, और साथ में आती है भाई बर्फ, अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। तो भाई ट्राई करके देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा ये लग रहा है, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसकी टेस्ट की, तो भाई टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर क्वांटिटी आप देखोगे तो जो क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से 100 रुपीज ठीक है। कभी भी आप अगर पुरानी दिल्ली में आते हो तो जरूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।